नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। दुनिया में कई तरह के जानवर हैं, लेकिन अगर हम इनमें से सबसे भारी जानवर की बात करें तो सबसे भारी जानवर हाथी है, जो घने जंगलों में पाया जाता है। हाथी का शरीर विशाल होता है। हाथियों के पास एक बड़ा सूंड होता है, जिससे वे अपने भोजन को अपने मुँह में उठा लेते हैं। हाथियों से जुड़े और भी कई ऐसे रोचक तत्व है जो आप नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम हाथियों से जुड़े विभिन्न तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से आप हाथियों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, हाथी जंगल में रहते हैं और स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी टहनियाँ, पत्ते और जंगली फल खाते हैं। वही पालतू हाथी रोटी और केले खाते हैं। हाथी एक शाकाहारी जंगली जानवर है। वर्तमान में वे लोगों का भारी सामान उठाना और सर्कस का काम करते हैं। प्राचीन काल में इनका उपयोग राजाओं और महाराजाओं के युद्धों के दौरान किया जाता था। हाथी दीर्घजीवी प्राणी है। इनका जीवन काल 100 वर्ष से भी अधिक हो सकता है। दुनिया में आमतौर पर दो तरह के हाथी पाए जाते हैं, एशियाई और अफ्रीकी। अफ्रीकाई हाथी एशियाई हाथी की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं और गहरे भूरे रंग के होते हैं। हाथी आमतौर पर भारत, श्रीलंका, बर्मा, अफ्रीका और थाईलैंड में पाए जाते हैं। ये झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं और पानी के बहुत शौकीन होते हैं। वे बहुत अच्छे से तैर सकते हैं। दोस्तों, हाथी की त्वचा 1 इंच मोटी और बहुत संवेदनशील होती है। करीब 5 मीटर की दूरी पर भी ये किसी की पुकार या आवाज़ सुन सकते हैं। नर हाथी वयस्क होने से पहले अकेले रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन मादा हाथी एक साथ रहती है। मादा हाथी को कुलमाता भी कहा जाता है। हालांकि सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाथियों की आंखें या दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाथी बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं। सर्कस में प्रदर्शन करने के लिए हाथियों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता है। वो एक मोटी शाखा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। सर्कस या जंगल के जानवरों में हाथी बच्चों के पसंदीदा जानवर है। एक प्रशिक्षित हाथी बहुत कुछ कर सकता है, उदाहरण के लिए सर्कस की गाड़ी चलाना, कोई खेल खेलना आदि। लेकिन कभी कभी हाथी खूंखार हो जाते हैं, जो इंसानों के लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि जैसे कभी कभार हाथी गुस्से में सब कुछ उल्टा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही इंसानों की जान ले सकते हैं। दोस्तों, सफेद रंग के हाथी कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सफेद हाथी बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसकी लंबी सूंड का उपयोग खाने, सांस लेने और भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इनके 4 पैर बहुत मजबूत होते हैं और खंभे की तरह दिखते हैं। हाथी आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटक और भारत के कई अन्य स्थानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, अफ्रीका और बर्मा के जंगलों में भी पाया जाता है। हाथी का पूरा शरीर बहुत उपयोगी होता है। इनके शरीर के कई हिस्सों से बनी चीजें दुनिया के कई हिस्सों में ऊंचे दामों पर बिकती है। हाथी की हड्डी और हाथी की दांत का उपयोग चाकू के हैंडल और फैंसी गहने बनाने के लिए किया जाता है। हाथी को घर में रखने पर काफी पैसा खर्च होता है। एक आम आदमी कभी भी हाथी को रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। दोस्तों, हाथी बहुत ही शांत जानवर होता है। हालांकि अगर उन्हें किसी भी तरह से उकसाया जाता है तो वह उत्तेजित और भयानक रूप धारण कर लेता है। हाथी अपनी बुद्धिमत्ता और वफादारी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हाथी उन्हें प्रशिक्षित करने वालों के सभी संकेतों को समझ सकते हैं। वे मरते दम तक अपने मालिक की आज्ञा पालन करते हैं। हाथी की अधिकांश चमड़ी 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। दरअसल उनकी त्वचा की सिलवटें और चूड़ियां शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में 10 गुना ज्यादा पानी रोक सकती है, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है, और वे खुद को धूल से ढक कर तेज धूप से बचाते हैं। दोस्तों, अफ्रीकी हाथी दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ स्तनपायी है। नर अफ्रीकी हाथी 3 मीटर लंबे और 6 टन वजनी होते हैं। केवल नर हाथी 35 से 40 वर्ष में अपने पूर्ण आकार तक पहुंचते हैं। इनकी उम्र 60 से 70 साल तक होती है। जन्म के समय हाथियों का वजन 100 किलो तक हो सकता है। अगर इनके पैरों की बात करें तो हाथियों के पैर मोटे खंभे के बराबर होते हैं। हाथियों के सीधे और बड़े पैर होते हैं, जिन्हें कम मांसपेशियों की शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए हाथी ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं। वास्तव में अफ्रीकी हाथी बहुत कम ही लेटे हुए देखे जाते हैं, केवल वे किसी बीमारी या चोट के कारण सोते हैं। एशियाई हाथी ज्यादा लेटना पसंद करते हैं। हाथी के पैर लगभग गोल होते हैं। अफ्रीकी हाथियों के पिछले पैरों पर 3 और आगे के पैरों पर 4 उंगलियां होती है।
दोस्तों हाथी बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं और ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। उन्हें गर्भधारण करने में 680 दिन लगते हैं, जो दुनिया में किसी भी जीव से ज्यादा है। इनका दिमाग जन्म से ही विकसित होता है। हाथियों की सूंड में लगभग 150,000 मसल यूनिट होती है। वह अपनी सूंड से बहुत काम करते हैं और एक हाथी की सूंड में लगभग 4 लीटर पानी समा सकता है। फिर तैरने के दौरान ये सूंड स्नोर का काम करती है। हाथी के दांत पहली बार तब दिखाई देते हैं जब वे 2 साल के होते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनका गेज दांत का आकार भी बढ़ता जाता है। वे फिर इन दांतों का उपयोग पेड़ों की छाल को फाड़ने, मिट्टी खोदने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। हालांकि इन्हीं दांतों की वजह से इनका शिकार भी किया जाता है। दोस्तों एक हाथी को प्रतिदिन 150 किलो भोजन की आवश्यकता होती है। वे दिन का 3/4 खाने में बिताते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, हाथी के बच्चे जन्म के 20 मिनट के अंदर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और 1 घंटे के अंदर चलना सीख जाते हैं। 2 दिनों के बाद वो दौड़ सकता है और अपने समूह के साथ रहना शुरू कर देता है ताकि वो अपना खाना पीना खुद इकट्ठा कर सके। दोस्तों हाथी कई तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कई बार वे आपस में इतनी धीमी आवाज से संवाद करते हैं कि मनुष्य उन्हें सुन नहीं पाते। वो एक दूसरे से अलग अलग तरीकों से संवाद भी करते हैं। कभी कभी शरीर के किसी हिस्सों को छूकर, सिर हिलाकर और सुनकर वे आपस में बात करते हैं। साथ ही ये जमीन में कंपन पैदा करके एक दूसरे को संकेत भी देते हैं। क्या आप जानते हैं हाथी लेटकर या खड़े होकर सो सकते हैं? लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल में हाथी खड़े होकर सोते हैं क्योंकि इनके लिए हिलना दुलना आसान होता है। और खड़े होकर सोने का दूसरा कारण ये है कि इनका शरीर बहुत भारी होता है। इस स्थिति में जमीन पर बैठने से उसके शरीर के किसी अंग को चोट लग सकती है। दोस्तों आज भी हाथियों का शिकार उनके दांत के लिए किया जाता है। बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे उनका आवास छीन रहा है, जिससे इंसानों और हाथियों के बीच मुठभेड़ बढ़ गई है। कई हाथी ट्रेन से कुचल कर मर जाते हैं। कभी कभी कई हाथी अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए मानव बस्तियों और कृषि भूमि पर पहुँच जाते हैं। इसलिए हाथियों को बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों हाथी सुनने के लिए अपने पैरों का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हाथी चलता है तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। इस कंपन से एक हाथी दूसरे हाथी के आने का आभास या संकेत करता है। हाथी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर बोलते हैं। वे लगभग 10 HZ पर बोलते हैं, जिसे हम मनुष्य सुन नहीं सकते। हाथियों की आंखों की पलक करीब 5 इंच की लंबी हो सकती है। हाथी ही एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने हो। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि महंगी कॉफी ब्रांड में ब्लैक आइवरी कॉफी का नाम उल्लेखनीय है। ये कॉफी थाईलैंड की कंपनी ब्लैक आइवरी कॉफी प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ये कॉफी हाथियों द्वारा खाए जाने वाली अरेबिका कॉफी बीन्स को हाथी के गोबर के साथ मिलाकर बनाई जाती है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। इनका गर्भकाल 22 महीने का होता है और वह केवल 1% जुड़वा बच्चे का जन्म देती है। दोस्तों एक नवजात हाथी का वजन करीब 112 किलो तक हो सकता है और हाइट करीब 83 सेंटीमीटर होता है। हाथी अपनी सूंड से करीब 770 पाउंड वजन उठा सकते हैं। भारतीय हाथी की तुलना में अफ्रीकी हाथियों का कान बड़े होते हैं। एक हाथी की सूंड उसकी नाक और ऊपरी होंठ दोनों होती है, जिसे वो सांस लेता है, सूंघता है, आवाज करता है और चीजों को पकड़ सकता है। हाथी की सूंड के सिरे पर उंगली जैसा हिस्सा होता है, जिनमें से अफ्रीकी हाथी के पास 2 और एशियाई हाथी के पास 1 है। इसकी सहायता से हाथी विभिन्न वस्तुओं को उठा सकते हैं। एक हाथी की सूंड बहुत बड़ी होती है और इसका वजन 400 पाउंड तक हो सकता है। वे बहुत खुशमिजाज भी होते हैं। साथ ही इसके साथ हाथी इस सूंड से चावल जैसे छोटी वस्तुओं को भी उठा सकते हैं। हाथियों का अपनी ऊर्जा पर पर्याप्त नियंत्रण हो सकता है। वो कच्चे अंडे को बिना तोड़े अपनी सूंड से उठा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाथी बहुत कम सोते हैं। वे रात में सिर्फ 5 घंटे सोते हैं। हाथी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु। हाथी का बच्चा आराम के लिए अपनी ही सूंड चूसता है। दोस्तों हाथी में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो इंसानों के संपर्क में आने पर इंसानों के शरीर में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए जिनका हाथियों से रोजाना काम होता है, उन्हें बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती है। हाथी दूर से ही पानी की गंध सूंघ सकता है। लेकिन आपको बता दे कि एक हाथी हर 203 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है। यहाँ तक कि अगर उनके समूहों में से किसी की मौत हो जाती है
तो बाकी लोग अजीब तरीके से शोक मनाते हैं। हाथी इंसानों की तरह सोचते हैं, उदाहरण के लिए किसी की मौत पर शोक करना, रोना आदि। जब एलिफेंट व्हिस्पियर लॉरेंस एंथोनी की मृत्यु हुई तो हाथियों का एक बड़ा समूह उसके घर पर शोक मनाने के लिए गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।